हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स। ये आपका जो सीरीज चल रहा है ये नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी का सीरीज है, और इस सीरीज में आज हम लोग जो टेक्निक पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांसपोजिशन टेक्निक। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए टेक्निक पढ़ा, जो कि सब्स्टिट्यूशन से टेक्निक थे, जिसमें हम लोग अपने प्लेन टेक्स्ट के कैरेक्टर्स को डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ रिप्लेस करते थे थ्रू सम मेथड्स। ठीक है, और अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, ट्रांसपोजिशन टेक्निक पढ़ना है। इस ट्रांसपोजिशन टेक्निक में भी हम लोग क्या करेंगे, प्लेन टेक्स्ट का यूज करके और साइफर टेक्स्ट जनरेट करेंगे। बट यहाँ पर जो साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा उसमें जो कैरेक्टर्स होंगे वो कैरेक्टर्स आपके प्लेन टेक्स्ट का ही यूज करके होगा। यानी कि हम लोग क्या करते हैं सब चीज ट्रांसपोजिशन टेक्निक में, तो हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट होगा उसमें जो कैरेक्टर्स होंगे हम उनका सिर्फ प्लेस चेंज कर देंगे, है ना, उनके प्लेस को इधर से उधर कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक टेक्स्ट है, हमारे पास एक टेक्स्ट है RAM, और इसको हमको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम कोई अनदर कैरेक्टर्स का यूज नहीं करेंगे, बस इन्हीं तीन कैरेक्टर के हेल्प से हम एक साइफर टेक्स्ट जनरेट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बना दिया MRA, और ये हमारा प्लेन टेक्स्ट हो गया और ये हमारा साइफर टेक्स्ट हो गया। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन टेक्निक। ट्रांसपोजिशन टेक्निक में क्या करना है, सिर्फ इंटरचेंज द प्लेस ऑफ द कैरेक्टर्स इन अ प्लेन टेक्स्ट। तो इसको मैं लिख देता हूं क्या होता है ट्रांसपोजिशन टेक्निक। तो क्या होता है ट्रांसपोजिशन टेक्निक, तो इन ट्रांसपोजिशन टेक्निक, ट्रांसपोजिशन टेक्निक टेक्निक सॉरी इन ट्रांसपोजिशन टेक्निक, TECHNIQU, ठीक है, इन ट्रांसपोजिशन टेक्निक वी सिंपली रिप्लेस द कैरेक्टर्स इन अ फ्रॉम अ प्लेन टेक्स्ट फ्रॉम अ प्लेन टेक्स्ट एंड जनरेट अ साइफर टेक्स्ट। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, चेंज द लोकेशन ऑफ द कैरेक्टर। क्या करते हैं एक लाइन में अगर बोले तो, चेंज द लोकेशन ऑफ ए कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर्स इन प्लेन टेक्स्ट है ना। तो इसमें कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम जो एग्जाम्पल लिए थे कि हमारे पास प्लेन टेक्स्ट क्या है, तो प्लेन टेक्स्ट है राम, ये हमारे पास क्या है, प्लेन टेक्स्ट है। इसको हम क्या बोल रहे हैं कि दिस इज अ प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, ये प्लेन टेक्स्ट है। इससे हमको क्या जनरेट करना है, साइफर टेक्स्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके कैरेक्टर्स के लोकेशन को हम चेंज कर दे रहे हैं। जैसे हमने क्या किया था, MRA, और चेंज कर दिया, तो ये हमारा क्या डेवलप हो गया, ये हमारा साइफर टेक्स्ट जनरेट हो गया, ये हमारा क्या जनरेट हो गया, साइफर टेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ट्रांसपोजिशन टेक्निक में करते हैं। अब इसमें हमारे पास जो एक ट्रांसपोजिशन टेक्निक है वो कौन सा हमको पढ़ना है, तो इसमें हमारे पास जो ट्रांसपोजिशन टेक्निक पढ़ना है वो है हमारे पास, उसका नाम है रेल फेंस टेक्निक, रेल फेंस टेक्निक। ठीक है, रेल फेंस टेक्निक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोजिशन टेक्निक में। तो रेल फेंस टेक्निक हमारे पास जो है, जो जैसे अभी हम बोल दिए कि कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है, तो कैरेक्टर्स को रिप्लेस करने का एक रूल होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए, ताकि उस रूल के आधार पर ही ये कैरेक्टर का रिप्लेसमेंट हो। अदरवाइज फिर साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमको हीट एंड ट्रायल रूल करना पड़ेगा, बार बार इसको अरेंज करके इधर से उधर करके देखना होगा कि हमारा ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट क्या जनरेट हो रहा है। हो सकता है कि इसके थ्रू कोई अनदर भी कैरेक्टर वर्ड जनरेट हो जाए और हमारा रिसीवर सोचे कि यही हमारा प्लेन टेक्स्ट है। तो एक रूल होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, प्लेन टेक्स्ट के कैरेक्टर्स को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे
है ना, उनके प्लेस को इधर से उधर करेंगे, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर उनको कर देंगे। तो रेल फेंस टेक्निक हमारा यूज होता है फॉर ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स, ठीक है। तो रेल फेंस टेक्निक में हमारे पास दो मेथड यूज होता है, कितने मेथड यूज होते हैं, देयर आर टू मेथड्स यूज्ड, है ना। पहला मेथड क्या है, मेथड वन। पहले हम मेथड वन को समझते हैं। तो मेथड वन में क्या है, मेथड वन, तो मेथड वन के बारे में अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, तो इन विच है ना, इन विच या इन इट प्लेन टेक्स्ट इज रिटेन डाउन एज ए सीक्वेंस ऑफ डायगोनल्स सीक्वेंस ऑफ डायगोनल्स, है ना, ऑफ डेप्थ एन, है ना, एंड देन रीड ऑफ एज ए सीक्वेंस ऑफ रोज, एज ए सीक्वेंस ऑफ रोज, ठीक है। क्या करा, इन इट प्लेन टेक्स्ट इज रिटन डाउन एज ए सीक्वेंस ऑफ डायगोनल्स ऑफ डेप्थ एन, एन यहाँ पर डेप्थ एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, एंड रीड ऑफ एज ए सीक्वेंस ऑफ रो, और हम उसको फिर रीड कैसे करेंगे, रो में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। प्लेन टेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ हम लिख देते हैं प्लेन टेक्स्ट है हमारे पास meet me after the toga party, ठीक है, toga party या engagement party या कुछ भी एक मैसेज है, और इस मैसेज को हमको क्या करना है, ट्रांसफर करना है किसी पर्सन को। तो हम इसको कैसे करेंगे, डिक्रिप्ट करना है, तो डिक्रिप्ट करने के लिए रेल फेंस का हम मेथड वन यूज कर रहे हैं। तो मेथड वन क्या कहता है कि इसको डायगोनल में लिखना है, वो विथ डेप्थ एन। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसको हम डिक्रिप्ट कर रहे हैं, डिक्रिप्ट, ठीक है, डिक्रिप्ट इट बाय यूजिंग, ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है ना, डिक्रिप्ट इट बाय यूजिंग रेल फेंस टेक्निक टेक्निक है ना ऑफ डेप्थ इसको हम मान लेते हैं 3, यानी कि n का वैल्यू हमें यहाँ क्या है, n का वैल्यू हमने 3 लिखा। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए डेप्थ 3 में लिखना है, तो सबसे एक एक कैरेक्टर को लिखते जाएंगे डायगोनल में, तो m, फिर इसके डायगोनल यानी कि इधर आ जाएगा e, 3 डेप्थ तक लिखना है, तो 1, 2, 3 हो गया। अब फिर ऊपर आएंगे तो फिर यहाँ लिखेंगे दूसरा नंबर, दूसरा वैल्यू इसके आगे, दूसरा कैरेक्टर क्या हो जाएगा, तो ई तक लिख लिए, दूसरा कैरेक्टर हो जाएगा टी, फिर टी के बाद एम, टी के बाद क्या है एम, फिर ई, और इसके बाद फिर ई के बाद ए, फिर एफ, फिर टी, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा ई आर, ठीक है, ई आर, और उसके बाद फिर क्या है टी, फिर हो जाएगा एच, फिर हो जाएगा यहाँ पर ई, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास टी, एच ई और टी, फिर ओ जी ए, ओ जी ए, है ना, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा ओ जी ए के बाद पी, पी ए आर, और होगा टी वाई, एक कैरेक्टर हमारे लास्ट में बच गया। तो आप इसको रीड यहाँ पर कोई एक्स वैल्यू ले लेंगे, कोई फिलर कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है।
अब आप इसको रीड कैसे करेंगे, इसको रीड करना, ये हमने लिख लिया डायगोनल में, देखिए ये पहला कैरेक्टर इस दूसरा ये तीसरा, इस तरह से हमारा लिख लिया और डायगोनल में लिखे हैं इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से लिखा रहा है, फिर ये आपका यहाँ से ऐसे आपका यहाँ ये हुआ, फिर आपका ये हुआ, तो इस तरह से हम डायगोनल में हम लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अब इसको रीड क्या करना है, तो रो वाइज यहाँ का एंड देन रीड ऑफ एज ए सीक्वेंस ऑफ रो, तो रो में पढ़िए, तो रो में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एम, इस रो को पहले पढ़ेंगे, फर्स्ट रो एम टी ए, एम टी ए ई एच ओ पी टी, इसके बाद ये वाला रो, तो ई एम एफ आर ई जी ए वाई, फिर नेक्स्ट रो, तो क्या हो जाएगा ई ई टी टी टी, लगातार थ्री टी है, और ए आर, तो ये हमारा जो बनेगा ये क्या बन जाएगा हमारे पास, साइफर, साइफर टेक्स्ट, ठीक है, समझ में आया, ये हमारा क्या जनरेट हो गया, साइफर टेक्स्ट जनरेट हो गया, एम टी ए ई ए, तो हमारा था मीट मी आफ्टर द टोगा पार्टी और साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ। इसमें हमने क्या किया, कोई अनदर कैरेक्टर को यूज नहीं किया है, बस इसी प्लेन टेक्स्ट के कैरेक्टर को इधर से उधर रिप्लेस कर दिया बाय यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। तो अब यहाँ मैं इरेज, यहाँ मैं साइफर टेक्स्ट को लिख देता हूँ ये वाला, ताकि मैंने इरेज करके अब इसका डिक्रिप्शन बता दो, सॉरी यहाँ डिक्रिप्ट नहीं होगा, इसको इनक्रिप्ट होगा यहाँ, सॉरी इनक्रिप्ट अभी हमने किया, ये हमने क्या किया यहाँ पर इनक्रिप्ट किया है, ठीक है। इनक्रिप्शन में होता है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलना, तो हमने यहाँ पर इनक्रिप्ट किया है बाय यूजिंग रेलफेंस टेक्निक ऑफ डेप्थ 3। इसी तरह डेप्थ 4 होगा तो एक और यहाँ रो डायगोनल में वैल्यू आ जाएगा, अगर डेप्थ 2 होता तो सिर्फ दो ही वैल्यू लेकर हम चलते। तो इस तरह से हमने साइफर टेक्स्ट जनरेट कर लिया, इस साइफर टेक्स्ट को मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, एम टी ए ई एच ओ पी टी ई एम एफ आर ई जी ए वाई ई ई टी 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 ए आर, ये हमारा क्या हो गया, साइफर टेक्स्ट हो गया, ये हमारा क्या है, साइफर टेक्स्ट। अब इस साइफर टेक्स्ट को वापस से हमको डिक्रिप्ट करना है और क्या फाइंड करना है, ये प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं इधर, तो डेप्थ हमारा 3 ही होगा, बट अब इसको कैसे हम पता चलेगा कि हर रो में कितना है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसमें हमको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने होंगे। अब यहाँ पर हम डिक्रिप्शन कर रहे हैं, पहले इंक्रिप्शन किए थे, अब हम डिक्रिप्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो डिक्रिप्शन में हमको नंबर ऑफ कैरेक्टर फाइंड के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 1 2 में काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 टोटल हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हैं, 23, जो लेंथ निकला, लेंथ कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 23। इसको हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से ही क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेप्थ हमारा क्या था, 3 था, तो 3 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 7 जा 23 है 3 7 जा 21 बच गया 2, ठीक है। तो हमारा ये जो 2 है, ठीक है, इस 2 को पहले हम, हमारा क्या होगा, फर्स्ट रो में 7 एलिमेंट आएंगे, लेकिन ये 2 है, अगर ये 2 है तो यानी कि पहले वाले 2 एलिमेंट, 2 रो में हमारा एक एक एलिमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 3 रहता तो तीनों में एक एक, मतलब ये पूरा पूरा फिर कट ही जाता है ना, अगर ये 24 रहता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, बट ये 23 है तो पूरा पूरा डिवाइड हुआ नहीं, और पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो 2 हमारे पास रिमाइंडर बच गया। तो पहले रो में हम पहले तो ये 7 कैरेक्टर लिखेंगे और इस 2 को हम 2 रो में डिवाइड कर देंगे, तो एक कैरेक्टर पहले रो में एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, दूसरे रो में एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, और एक और रहता तो तीसरे रो में भी बढ़ाते, बट है नहीं, तो पहले वाले रो में हमारा 8 कैरेक्टर आएगा, फर्स्ट रो में हमारा कितना कैरेक्टर आ जाएगा, फर्स्ट रो में हमारे पास 8 कैरेक्टर, सेकेंड रो में हमारे पास भी 8 कैरेक्टर, और थर्ड रो में हमारे पास वो बचेगा सिर्फ 7 कैरेक्टर। तो पहले रो में लिखते हैं, तो पहले रो में ये हमारा साइफर टेक्स्ट है, तो लिखिए एम टी, कहाँ तक लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। तो एम टी ए
ई एच ओ पी और टी, और फिर अगला सात कैरेक्टर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठ कैरेक्टर, ठीक है ना। इसमें आठ कैरेक्टर आए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगले में भी 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर इसमें सात कैरेक्टर आए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको यहाँ से लिखेंगे तो ई एम, ठीक है, ई एम एफ आर ई जी ए वाई, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमारा क्या आ जाएगा, तो ई फिर ई, फिर हो जाएगा हमारे पास टी 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 ए आर, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, डायगोनल में रीड कर लेंगे, अब इस बार डायगोनल में रीड करेंगे, तो डायगोनल में रीड किया तो प्लेन टेक्स्ट आपका क्या बन जाएगा, प्लेन टेक्स्ट इसका अगर आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा, एम फिर ई ई ई ई फिर ये वाला टी, ये डायगोनल हम लोग रीड करेंगे, ये वाला डायगोनल, तो क्या हो जाएगा टी फिर एम ई फिर ये वाला डायगोनल यूज रीड कीजिएगा तो ए एफ टी, फिर ये डायगोनल रीड कीजिएगा तो ई आर टी ई आर टी, और फिर ये डायगोनल रीड कीजिएगा तो एच ई टी एच ई टी, फिर ये डायगोनल रीड कीजिएगा तो ओ जी ए ओ जी ए, और ये डायगोनल रीड करिए तो पी ए आर और टी, ये डायगोनल में सिर्फ दो कैरेक्टर बच गया टी वाई। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, वापस से ये साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। आपको समझ में आ गया होगा ये मेथड वन, बहुत इजी है। तो इसी तरह से आप कोई भी एक सेंटेंस लीजिए और उसको कन्वर्ट करके देखिए, मतलब साइफर टेक्स्ट में बाय यूजिंग दिस मेथड। आप बस डेप्थ ले लीजिएगा, 2 3 4 एंड सो ऑन, कहीं तक भी ले सकते हैं। तो आपको डेप्थ ले लेना है और उस डेप्थ के अनुसार डायगोनल रीड के और रो वाइज पढ़ लेना है, रो वाइज रीड करिएगा तो आपका साइफर टेक्स्ट, फिर उसको उसी तरह आपको रो वाइज लिखना है, बट हर रो में कितना कैरेक्टर होगा वो जितना उसका डेप्थ होगा, लेंथ पहले फाइंड करेंगे और जो डेप्थ होगा उससे डिवाइड कर लेंगे, जो आएगा उतना कैरेक्टर तो सब में होगा, बट अगर कोई रिमाइंडर बच जाता है तो उस रिमाइंडर को हम डिवाइड कर देंगे फर्स्ट ऊपर वाले रो में, ठीक है, जैसे यहाँ दो आया था तो दो में हमको डिवाइड किया तो फर्स्ट रो में एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा बढ़ा दिए और सेकेंड कैरेक्टर में एक्स्ट्रा बढ़ा दिए। जैसे मान लीजिए आपका डेप्थ 4 होता, 4 से 23 में डिवाइड करते तो क्या हो जाता है, 4 5 20 3 बच जाता, तो 5 डेप्थ बनता ना, 1 2 3 4 5, तो क्या होता हर रो में 5 5 एलिमेंट तो होता बट 3 एलिमेंट एक्स्ट्रा है, तो ये इसमें हो जाता 6 एलिमेंट, इसमें भी 6 एलिमेंट, इसमें भी 6 एलिमेंट, कैसे होता, ये देखिए हमारे पास 5 रो है, 4 रो है, 1 2 3 4, यहाँ पर सिर्फ 4 रो है, तो 4 रो में यहाँ पर हमारा 5 एलिमेंट, इसमें भी 5 एलिमेंट, 5 5 हमारा कितना हो 20, और ये 3 एक्स्ट्रा है तो इसमें प्लस 1 इसमें प्लस 1 इसमें प्लस 1, यानी कि इसमें 6 6 6 और 5 का हमारा रो में क्या आता, डेटा कैरेक्टर आते, समझ में आया। इसी तरह 5 से डिवाइड करते, 5 से अगर डिवाइड करते 23 में, अगर 5 डेप्थ होता तो 5 4 20, फिर 3 बच गया, तो यहाँ हर रो में यानी कि 5 रो बनता है, 1 2 3 4 5, हर रो में कितना कैरेक्टर आता, 4 4 4 4 और 4, लेकिन 3 एक्स्ट्रा है तो एक इसमें प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो हमारे पास हो जाता है 5 5 5 4 4, इस तरह से हमारा रो में हम लिखते और उसके बाद है ना हर रो में उतने उतने कैरेक्टर लिखते और उसको फिर डायगोनली रीड कर लेते, तो रीड कर लेते तो वापस हमको मेरा प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। तो ये था हमारा रेल फेंस टेक्निक का मेथड 1। अब हम लोग रेल फेंस टेक्निक का ही मेथड 2 देखते हैं, जिसमें एक की का की यूज होता है। तो की कैसे यूज होता है, तो जैसे देखिए है ना, ये तो हमारा समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग जो मेथड 2 है वो देखते हैं, मेथड 2 में क्या है, तो अ मोर कॉम्प्लेक्स है ना, अ मोर कॉम्प्लेक्स स्कीम इज, ये जो है दूसरा जो मेथड है, मोर कॉम्प्लेक्स स्कीम इज, मोर कॉम्प्लेक्स स्कीम इज टू राइट, इज टू राइट द मैसेज
इज टू राइट द मैसेज इन अ रेक्टेंगुलर इन अ रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर ठीक है रो बाय रो रो बाय रो। अब हमको रेक्टेंगुलर लिखना है रो बाय रो एंड रीड द मैसेज एंड रीड द मैसेज ऑफ कॉलम बाय कॉलम। कैसे रीड करना है कॉलम बाय कॉलम रो बाय रो लिखना है और कॉलम बाय कॉलम हमको रीड करना है ना। बट जो कॉलम बाय कॉलम रीड करेंगे उसमें भी हम डिफरेंशिएट कर लेंगे बट परम्यूट द ऑर्डर ऑफ द कॉलम ऑर्डर ऑफ द कॉलम ठीक है बट परम्यूट द ऑर्डर ऑफ द कॉलम्स ठीक है। द ऑर्डर जो ऑर्डर होगा कॉलम को रीड करने के लिए पहले कौन सा कॉलम रीड करें वो एक की होगा है ना की के बेसिस पर डिसाइड करेंगे। तो द ऑर्डर है ना ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कॉलम ठीक है कॉलम्स देन बिकम और जिस ऑर्डर में रीड करेंगे वो हमारा की बन जाए देन बिकम्स द की टू द एल्गोरिथम। जिस ऑर्डर में हमने कॉलम्स को रीड किया है वो ऑर्डर हमारा एक की बन जाएगा उस एल्गोरिथम का। जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं जैसे हमारे पास कोई भी एक सपोज हमारे पास कोई भी एक मैसेज हो सकता है और उस मैसेज को हमको क्या करना है कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट होंगे तो जैसे हमारे पास वही एक मैसेज है जो अभी हमने प्लेन टेक्स्ट लिया था उसी प्लेन टेक्स्ट को हम फिर से वापस ले लेते हैं। क्या था प्लेन टेक्स्ट तो meet मीट मी आफ्टर द टोगा आफ्टर द टोगा पार्टी ठीक है। तो स्क्वायर हमको रेक्टेंगुलर बनाना है तो स्क्वायर होना चाहिए तो स्क्वायर में हमारे पास 3x3 बनेगा तो 3x3 बनेगा तो 9 कैरेक्टर्स उसमें आ सकते हैं। बट यहाँ कैरेक्टर्स कितने हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तो इसमें 23 है तो मैक्सिमम वाला ले जाना है। 4x4 करेंगे तो 16 ही रह जाएगा और 5x5 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 25 तो भाई 25 वाले में चला जाएगा ठीक है। तो आप कहिएगा सर यहाँ 23 कैरेक्टर है तो 2 कैरेक्टर एक्स्ट्रा हम कोई भी कैरेक्टर ऐड कर देते हैं। जैसे हमने 2 कैरेक्टर XX को ही ऐड कर लिया फिलर कैरेक्टर ऐसे तो हमारा हो गया 25। अब इसको कैसे लिखना है तो आपको इसको लिखना है 5x5 का मैट्रिक्स में यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में 5x5 के मैट्रिक्स बोलिए या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में लिखना होगा आपको ठीक है रेक्टेंगुलर फॉर्मेट ठीक है। और लिखना कैसे हमको तो मैसेज इन रेक्टेंगुलर रो बाय रो रो में लिखना है। तो रो आपको पता ही होगा रो आपका कैसे होता है इस तरह से रो होता है। तो हमारा यहाँ पर पहला रो में लिखेंगे तो हर रो में 5-5 कैरेक्टर्स आने चाहिए तो MEET अभी कितने हुए 1, 2, 3, 4 और फिर M ये हो गया हमारे पास 5 देन फिर से EF ठीक है EF नहीं है F के पहले A है ठीक है E के बाद AFT फिर हमारे पास है R फिर THE और फिर है T है ना OGA फिर है PARTY ठीक है। और यहाँ पर दो फिलर कैरेक्टर हमको ऐड करने के लिए हम बोले ही थे तो ये XX ऐड कर दिए तो ये हमारा क्या हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स 5x5 में लिख लिए। अब इसमें एक की वैल्यू हम रखेंगे की वैल्यू अगर 5 रो है तो 5 तक ही 1 से लेकर 5 तक जाएगा जो की वैल्यू होगा वो 1 से 5 तक जाएगा यानी कि 1 2 3 4 5 को यूज कर सकते हैं। अगर ये 6 रो होता तो हम 1 2 3 4 5 6 तक यूज कर सकते हैं 7 होता है तो 7 तक 8 होता है तो 8 तक स्टार्ट होता है 1 से। तो हम उस की में कॉम्बिनेशन चेंज करके रख सकते हैं
ऐसे हमने कॉम्बिनेशन चेंज करके रख दिया 4 3, ठीक है, क्योंकि हमको रखना है 5 तक रखना है, तो 4 3, ठीक है, 2 4 3, इसको ऐसे रखते हैं 4 3 4, फिर 2, फिर 1 और फिर 3, इस तरह से रखते हैं और लास्ट में 5, ये हमारा हो गया। या बीच में इसको हम 5 को कर दीजिए, और अच्छे से अगर कंबाइन करना है तो 5 3 1, ये हमारा क्या हो गया, की बन गया 4 2 5 3 1। तो हम इसके ऊपर लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 4, ये हो जाएगा 2 5 3 1, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया की, ठीक है, ये हमारा की हो गया 4 2 5 3 1। तो सबसे पहले अब इसमें हमको क्या करना है, अब देन रो बाय रो लिख लिए, अब रीड करना है कॉलम बाय कॉलम। तो सबसे पहले और वो बट परम्यूट द ऑर्डर ऑफ द कॉलम, और ऑर्डर ऑफ द कॉलम ही हमारा की है, तो ऑर्डर यानी कि सबसे पहले हमको ये वाला कॉलम रीड करना है। तो हमारा जो साइफर टेक्स्ट अब जो रीड होगा वो साइफर टेक्स्ट बन जाएगा, ठीक है। तो रीड हम करते हैं, तो पहला हमारा जो कॉलम रीड होगा M E T A X, दूसरा हो जाएगा TTEPX, दूसरा हो जाएगा TTEPX, नेक्स्ट सॉरी TTEPX नहीं होगा, ये गलत हमने लिख दिया, क्योंकि पहला कॉलम के बाद हमको दूसरा कॉलम ये वाला है EATGT, क्या है EATGT, इसके बाद थर्ड में है हमारा पास TTE, ठीक है, फिर PX, और फोर्थ में हमारा ये फर्स्ट में जो है MER, है ना, MER OR, क्या है MER OR, और फिफ्थ कॉलम हमारा कौन है, ये बीच वाला, यहाँ क्या लिख देंगे EFHA EFHA Y। तो इस तरह से हमारा साइफर टेक्स्ट जनरेट हो गया। तो इस साइफर टेक्स्ट को हम ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम द कम्युनिकेशन चैनल, जब रिसीवर एंड पर पहुंचेगा तो वो इसको डिक्रिप्ट करेगा। ये हमने अभी क्या किया, इनक्रिप्ट कर लिया। डिक्रिप्ट कैसे करना है, तो वही सबसे पहले आपको लेंथ फाइंड करना होगा, तो लेंथ फाइंड करिएगा, ठीक है। तो लेंथ यहाँ क्या मिलेगा आपको, 25 मिलेगा, ठीक है। आप काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, अब आपको 25 हो गया। तो इसको देखना है कि जो 25 है कितना क्रॉस कितना के मैट्रिक्स में आता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो 5 × 5, क्योंकि 2 3 4 × 4 16 ही हो जाएगा, और 5 × 5 हमारा 25, तो 5 के मैट्रिक्स में आएगा। तो हम इसको उसी तरह से लिखेंगे। अब हमारे पास की भी है, ये भी याद रखना है, की हमारा क्या है, तो की हमारे पास शेयर होकर आएगा रिसीवर एंड पर, वो है 4 2 5 3 1। तो अगर यूजर को सिर्फ साइफर टेक्स्ट मिलेगा तो वो कभी उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा इनटू अ प्लेन टेक्स्ट, अगर की ही मिल गया तब तो वो कर ही लेगा, की तो किसी को भी मिल जाएगा तो किसी भी मैसेज को डिक्रिप्ट कर लेगा, बट यहाँ पर की नहीं हमारा, हम मानकर चल रहे हैं कि इंट्रूडर के पास अवेलेबल, सिर्फ उनके पास साइफर टेक्स्ट है, तो साइफर टेक्स्ट से वो कभी नहीं मालूम कर पाएगा कि हमने ये वाला मैसेज भेजा था मीट मी आफ्टर द टोगा पार्टी, और कर भी लगा अगर मालूम तो उसको इतना कॉम्बिनेशन ट्राई करना होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 4 2 5 3 1, तो 4 2 5 3 1, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट कॉलम को फिल करना है विथ 5 लेटर, क्यों 5 लेटर, क्यों, तो इसको इसमें टोटल लेटर है 25, और ये 25 आता है 5 × 5 में, है ना, 5 × 5 में ये 25 आएगा। तो हमारा फर्स्ट जो कॉलम बनेगा उस कॉलम में 5 कैरेक्टर रिप्लेस होंगे, तो 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 5, ये 4 5 हमारा कैरेक्टर हमारा यहाँ आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा यहाँ METAX, और यहाँ पर आ जाएगा 5वां कैरेक्टर 1 2 3 4 5, ये कैरेक्टर आएंगे, यानी कि ये सेकेंड में आएगा, तो ETGT, और फिर हमारा नेक्स्ट है TTEPX, तो ये थर्ड में आ जाएगा, तो TTEPX, और फिर फोर्थ में हमारा ये आएगा यहाँ से 5, यानी MER OR, और लास्ट में हमारा ये 5वां में हमारा आएगा, क्या आ जाएगा EFHA Y,
अब इसको हमको क्या करना है, तो वही कॉलम वाइज अभी लिख लिए, अब रो वाइज रीड कर लेना है। तो प्लेन टेक्स्ट हमारा क्या बन जाएगा, प्लेन टेक्स्ट रो वाइज जो रीड कीजिएगा वही। तो पहले आपको वही, अब इसमें रो में ऐसा कुछ नहीं, रो में आपको क्या करना है बस ऊपर से नीचे तक हर रो को पढ़ना है। तो पहला रो में हो जाएगा एम डबल ई टी, फिर हो जाएगा एम ई ए एफ टी ई आर टी एच ई, ठीक है यहाँ तक आ गए। फिर ये टी ओ जी ए टी ओ जी ए और फिर पी ए आर टी वाई और लास्ट में डबल एक्स। तो इतना पढ़ने के बाद हमको पता चल जाएगा कि ये मीट मी आफ्टर द टोगा पार्टी है, ये एक्स एक्स ऐसे एक्स्ट्रा ऐड किया गया होगा। तो प्लेन टेक्स्ट तो हमको मिल गया है ना। तो इस तरह इस मेथड, ये दो दूसरा मेथड था, इसमें हमारा एक की वैल्यू यूज होता है फ्रॉम वन टू कहाँ, जहाँ तक का जितना क्रोबाई की जितना का मैट्रिक्स हम बनाए हुए होंगे उनके प्लेन टेक्स्ट से उतना तक जाएगा, और वो भी कॉम्बिनेशन होगा, इधर उधर हम रिप्लेस कर देंगे ताकि हमारा जो ये बने वो एकदम ही डिफिकल्ट हो जाए टू क्या करते हैं इसको डिक्रिप्ट करना, ठीक है इंट्रूडर के लिए। तो ये था हमारा स्टेलफेंस साइफर और ट्रांसपोजिशन साइफर में। तो ये हमारा आज ट्रांसपोजिशन साइफर भी ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे, और अगर आपको आज के वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया कोई पॉइंट तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अदरवाइज आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और थैंक यू दोस्तों।